दोस्तों किसी आम चीज़ को ख़ास बनाने के लिए बस थोड़ी सी उसमें काम करनी पड़ती है, तो वही काम हम लोग एक ट्रैक्टर में करके दिखाए हैं और आपको बताने वाले हैं पूरी डिटेल से। तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो देखकर बताइएगा कि ये जुगाड़ कैसा लगा आपको। तो जो अभी गाड़ी आप देख रहे हैं वो फ़िलहाल एक ट्रैक्टर है, यानी ट्रैक्टर में हम लोग बुल मशीन का अटैचमेंट लगाकर इसे जेसीबी में कन्वर्ट कर दिए, यानी जेसीबी टाइप का बना दिए हैं। तो सबसे पहले ट्रैक्टर की बात करते हैं, तो ये ट्रैक्टर है आइसर की 650, यानी आइसर की सबसे लेटेस्ट वर्जन है और ये मार्केट में अभी लॉन्च हुई है। तो काफ़ी दमदार और अच्छी फीचर है इसकी, चारों चक्का इसके बहुत बड़े बड़े हैं, हैवी हैं। और बात करें इसकी माइलेज की, तो माइलेज भी ठीक ठाक ही है। फिलहाल अभी हम लोग इसे चेक करने वाले हैं। तो लोडर आप देख सकते हो, जो हमारी बुल कंपनी की बैकहो और लोडर लगी हुई है, काफ़ी शानदार है। यहाँ पे एक कूलर दिया हुआ है जो वायल को ठंडा करता है। और आगे साइड में ट्रैक्टर की जो मेन एक्सल है वो बहुत हेवी है, नीचे में पूरा ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं भी गाड़ी आपकी फंसेगी नहीं। तो बात करते हैं गियर वेयर की, तो गियर दोनों साइड में गियर है, लो मीडियम हाई का और एक 1 2 3 4 5 का, तो गियर दोनों साइड में है, काफ़ी अच्छा है। और इसमें एक एडवांस फंक्शन ये हम लोग डिजाइन किए हैं, यानी कि सीट को रोटेटिंग सीट बना दिए हैं। पहले ये फिक्स था, यानी ये हिल नहीं सकता था, लेकिन अभी हम लोग इसे घूमने वाला बनाए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा और दमदार है, जो बहुत रिलैक्स फील करेगा लोडर और बैकों को चलाने में। इसकी हाइट लगभग 14 साढ़े 14 फीट की है, जिसमें आप आसानी से सभी तरह के ट्रक, बड़े बड़े बंद बॉडी की गाड़ियों में आसानी से आप लोडिंग कर सकते हैं, कुछ भी गिट्टी बालू और डस्ट वगैरह। इसके बेस्ट ऑप्शन ये हैं कि इसमें एक बूस्टर बकेट दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा से सामान को गाड़ी के अंदर डालती है। तो चलिए अब दिखाते हैं पीछे की बैकहो ये कैसी है। फिलहाल इसके लिए मुझे जाना होगा गाड़ी पे। तो बैकहो भी शानदार है, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी मिट्टी काटने में बहुत ही अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है उन किसान भाइयों के लिए, उन कस्टमर्स के लिए जो आइसर को बहुत प्यार करते हैं, दिलोजान से जानते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो फिलहाल देखिए और वीडियो में क्या क्या आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, कौन सी फीचर्स आपको अच्छे लगे। तो इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, यानी एक नॉर्मल मशीन के अपेक्षा ये काफ़ी अच्छी काम करती है। इसकी कटिंग करने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारा पुल अटैचमेंट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और सुंदर लुक देती है, कोई भी मशीन पे लगकर उसे एक आम से खास बना देती है, तो ये सबसे एक अच्छी बात है। और इसकी जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है बिल्कुल ना के बराबर है, थोड़ी बहुत सर्विसिंग वगैरह होती है तो उसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आते हैं। और पिन बूस्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है और अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो बड़े मशीनों को नहीं खरीद सकते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, अभाव है, वो अपने ट्रैक्टर में लगाकर ऐसी अटैचमेंट को आसानी से आप गाँव घरों में आराम से काम कर सकते हैं।
फाइनली अगर बात की जाए तो ये स्लो आरपीएम में अच्छे काम कर रही है। इसमें अभी 200 आरपीएम और बढ़ा दी जाए तो ये काफ़ी फास्ट तरीके से काम करेगी, लेकिन ये फ़िलहाल टेस्ट में है तो इसे 1500 आरपीएम ही चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत बेटर तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छी काम कर रही है। इसकी फाइनल टेस्टिंग हो गई है, अब हम लोग चलते हैं स्टोर की तरफ और मशीन को वहाँ पे खड़ा करके इसकी एक बार फिर से आप लोगों को कुछ चीज़ें बताएंगे। तो इसकी लंबाई अगर आप देखें तो लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ट्रैक्टर के अपेक्षा, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, दोनों साइड में लग जाता है, तो चलाने में भी गाड़ी इसकी ग्रैपिंग अच्छी है, कभी कीचड़ में या तो फिर कहीं भी ये गाड़ी फंसेगी नहीं। और हाइट की बात की जाए तो जो हमारा पिछला बकेट का हाइट है वो 15 फीट के बराबर है। तो फिलहाल ये कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड कोई भी तरह की इंक्वायरी या जानकारी चाहिए तो मेरी डिस्क्रिप्शन में नंबर दी हुई है, उस पर आप फ़ोन करिए और डायरेक्ट उससे बात करिए। धन्यवाद।